अच्छा हो रहे हो। और आज हम बीएससी की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सो टुडे विल डिस्कस ऑन कॉन्सोनेंट क्लस्टर। व्हाट इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर? कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर कॉन्सोनेंट साउंड इज गिवन बाय टू कॉन्सोनेंट व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? साउंड इज गिवन बाय टू कॉन्सोनेंट यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट से मिलकर एक साउंड बनता है तो उसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। जब मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता दूंगी व्हेन वन साउंड इज गिवन बाय टू कॉन्सोनेंट यानी दो साउंड एक साउंड हो दो कॉन्सोनेंट से मिलकर बना हो तो वो हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सी एल यानी सी भी कॉन्सोनेंट है प्लस एल भी कॉन्सोनेंट है सी एल हो गया तो इसका हो गया हमारा सी एल ई ए आर क्लियर। तो सी एल मिलके ये जो हमारा बनेगा पहला ये तो एक साउंड है जो दो कॉन्सोनेंट से एक साउंड है पर दो कॉन्सोनेंट से मिलकर बना है इसलिए इसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर? अब जो कॉन्सोनेंट होते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर आर टू टाइप्स। अब कौन कौन सा टाइप होता है मैं आपको बताती हूँ कि दो प्रकार के होते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। फर्स्ट जो आपको होता है क्लस्टर एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड वर्ड जो एक तो वर्ड के जो बिगनिंग में लग जाते हैं वो आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता है और दूसरा आपका एंड ऑफ द वर्ड यानी कि जो एंड में लगते हैं वो एंड हो गया। अब मैं आपको उसके थोड़े से एग्जाम्पल से बताऊंगी कि कौन कौन सा है आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहाँ कहाँ पर होते हैं कैसे स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको सी एल बताया था तो सी एल दो कॉन्सोनेंट से मिलकर बना है पर साउंड उसका एक है तो मैं आपको बताती हूँ क्लस्टर आपका आ जाता हूँ ठीक है। टेबल की तरह मैं आपको बताती हूँ ये क्लस्टर हो गया आपका यहाँ पे जो हमने क्लस्टर होगा तो ये आ गया आपका साउंड ये आ जाएगा आपका साउंड और इधर से आएगा वो आएगा आपका ठीक वर्ड से उसको हम वर्ड्स कह सकते हैं वर्ड्स। तो पहला वाला जो हमारा क्लस्टर है यानी क्लस्टर क्या होते हैं एक साउंड हो जो दो कॉन्सोनेंट से मिलकर बने हो। तो पहला है हमारा एस और पी ये भी कॉन्सोनेंट है ये भी कॉन्सोनेंट है। अब इसका जो वर्ड होगा इसका हिंदी में जैसा जैसा प्रोनाउंस करेंगे तो स्पर्म हो गया यहाँ पर स्पर्म इसको हम पढ़ेंगे स्पर्म। तो आगे आपका यहाँ पर जो साउंड है उसको हम क्या देखते हैं साउंड पढ़ेंगे इसको हम इसका हिंदी में जो साउंड पढ़ेंगे या वो भी साउंड ही हिंदी इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा इसका साउंड हिंदी में हो जाएगा स्पर्म। तो ये हो गया आपका एस पी तो इसकी को स्पी स्पर्म हो गया और स्पर्म से कौन सा की वर्ड बन रहा है आपको वो आपको बनाना है एस टी ई ए के स्पी समझ में आया। ये जो एस पी है ये दो कॉन्सोनेंट से मिलकर एक साउंड बना है जो स्टार्टिंग में भी लगते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। यदि वर्ड के स्टार्टिंग में लग गए तो एक प्रकार हो गया तो ये पहला प्रकार है और जो वर्ड के एंड में लगते हैं वो दूसरे क्लस्टर हो गया यानी दो प्रकार के क्लस्टर होते हैं। फिर हम बात करेंगे जैसे और भी वर्ड लिखते हो एस पी आई एन स्पी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो क्लस्टर की तो वो है पी आर पी इसको हम क्या पढ़ेंगे प्र हिंदी में इसका वर्ड होगा प्र। अब इसके जो वर्ड है पी आर ए वाई प्रे पी आर ए वाई प्रे। अब पी आर भी स्टार्टिंग लगा एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड और एट द एंड ऑफ द वर्ड यानी कि दो प्रकार के होते हैं एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड और एट द एंड ऑफ द वर्ड। और दूसरा हो गया आपका पी आर ई डबल एस प्रेस पी आर ई डबल एस प्रेस। अब दूसरा है आपका बी आर बी आर। अब बी आर ये भी दो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट आपको पता है कौन से होते ए ई आई ओ यू ये वोवल इन पांचों को हटा के जो भी आपके अल्फाबेट्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब कॉन्सोनेंट में भी बी और आर आपका कॉन्सोनेंट है दो कॉन्सोनेंट है पर साउंड
इसमें ये जो आर